की थी, जानी थी षड्यंत्र क्या होता है, कैसा षड्यंत्र होता है, किस प्रकार से षड्यंत्र का मैक्सिमम आप लाभ उठा सकते हो। तो उनकी बातों को समझते हुए लक्ष्मी आकर्षण के आज मैं आपको 8 से 10 बड़े बड़े जो मुख्य मुख्य रूल्स है, फॉर्मूला है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, सीखेंगे, जानेंगे। सब लोग बराबर आ चुके हैं, सब लोग जम करके जुड़ चुके हैं, और इसी के साथ में वंदना करते हुए पहला लक्ष्मी आकर्षण विधान बराबर नोट पेन के अंदर सब लोग लिख लेंगे कि जब हम औरों के लिए काम करते हैं। ध्यान से सभी लोगों को देखना है, सुनना है, समझना है। जब आप औरों के लिए काम करते हैं तब ईश्वर के काफी नजीक आप होते हैं। विजय भाई साहब, मीना जी लंदन से जुड़ी हुई है, दिनेश भाई, ઓલીજવેલ પૂજાબેન બધું બરાબર ચાલે છે, ઓકે જાય છે, બરાબર છે. ઓકે. તો આપ સબ લોકોને अब बराबर लिख लिया होगा, कुछ पता नहीं 2-4 दिन से यहाँ पर नेट का प्रॉब्लम चल रहा है, तो फिर भी हम हमारे मकसद को, हम हमारे संकल्प को कैसे भी करके पूर्ण करेंगे। दीपावली पर्व को बहुत 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 शानदार रूप से मनाएंगे, बहुत शानदार रूप से आराधना करेंगे, और इसी आराधना को समझने के लिए, इसी आराधना को खास करके अनुभव करने के लिए आप सभी को विशिष्टतम कुछ चीजें जो हम सिखा रहे हैं वो आपको खास करके समझना है, लिखना है और आगे उसको आगे बढ़ाना है। तो पहले नंबर की बात मैंने आप सभी को बता दी है कि कैसे धनतेरस की पूरा पूजा का सामान आपको रेडी रखना है, काली चौदस की पूजा के सामान के लिए आपको हवन कुंड लाना है, तांबे का ला सकते हो, बर्तन का ला सकते हो, लोहे का, जो भी आपको पीतल का ला सकते हो। धनतेरस के दिन पैसा हर किसी को चाहिए, पैसे को आकर्षित कैसे करोगे, तो उसके लिए कुछ चुनिंदी किताबें के अंदर मेरे गुरुदेव पूज्यपाद चंद्रशेखर विजय पाठ साहिब जी ने बहुत शानदार सैकड़ों पुस्तकों में से जो पावरफुल पुस्तक है उनका मैं आप सभी को सारांश सुना रहा हूं कि इंसान की सोच इंसान की शांति, समृद्धि और आनंद की आत्मा है। जैसे ही आप ये कोर्स ब्रह्मांड की हर खुशी वो आपकी मुट्ठी में दे सकता है, ये कोर्स के माध्यम से आपका परिवार, व्यापार, देश, दुनिया, तन, मन, आत्मा के साथ जुड़ी हुई हर सवाल का जवाब ये खास करके मनी मैग्नेट कोर्स के अंदर है, और इसी के लिए इनकी जो पावरफुल मुख्य मुख्य जो बातें हैं, मनोमंथन करने की जो बातें हैं, उसमें से 3-4 मैं 2-3 दिन से लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, और सैकड़ों लोग भी मनी मैग्नेट के लिए उन्होंने जो रिसर्च किया है, उन्होंने कैसे अपने कम समय के अंदर जीवन के अंदर बड़ी बड़ी सक्सेस को प्राप्त किया है, उसके लिए उन्होंने कैसे जीवन के अंदर टाइम मैनेजमेंट को लागू किया है और कैसे आप लागू कर सकते हो। समय बड़ा बलवान है, जो समय का नहीं होता है वो व्यक्ति समय किसी का नहीं होता है, और इसी के लिए लिखा है आगे बढ़ना है। आज की 5 लाइन बराबर लाइन से अक्षर सो अक्षर से लिखिए, और आपके रूम में, आपकी बिजनेस की जगह के ऊपर या आपकी जैसे ही दीवार के ऊपर नजर जाती है वहां पर ये लाइनें खास होनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो खुद से कर लो वादा। वादा नंबर एक, जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो। जिगना बेन, जिंदगी हसीन है इससे प्यार करो, हर रात को नई सुबह का इंतजार करो। आज से बढ़कर हमें कल बनाना है। आज जितनी एनर्जी के साथ आपने काम किया है उनसे कल और ज्यादा एनर्जी के साथ में वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है, वो पल भी आएगा जिसका आपको इंतजार है। बस अपने रब पे भरोसा,
और वक्त पर एतबार करो। बत्तामर के ऊपर पूर्ण भरोसा और समय का जबरदस्त, वो समय भी आएगा जिसका आपको इंतजार है, सबसे बड़ा टाइटल। और इसी के लिए कहता है कि क्यों कहते हैं, क्यों कहते हो कि बेहतर नहीं होता। बहुत सारे लोग बोलते हैं क्यों हम भक्तामर चातुर्मास से जुड़े, क्यों गुरु जी आपके हम प्रवचन सुने, क्यों हम हमारी आपकी बातें माने। उन सभी के लिए बात है। ईश्वर कह रहा है कि क्यों कहते हो कि बेहतर नहीं होता। सच ये है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। सच ये है कि जैसा चाहो वैसा नहीं होता। અને આ વાક્ય બધાએ દિલની અંદર લખી નાખવાનું છે કે જે તમે વિચારો છો ને, ઈ દુનિયા આપવા માટે તૈયાર જ છે। કોઈ તુમારા સાથ દે, કોઈ તુમારા સાથ ન દે તો ગમ ન કર, કોઈ તુમારા સાથ ન દે તો ગમ ન કર। ખુદ સે બડા દુનિયા મેં કોઈ હમ સફર નહીં હોતા। हर पल भक्तामर आपके साथ में, हर पल आपका मोटिवेशन स्पीकर आप हो, आपके गुरु आप हो। मंजिलें तो उनको मिलती है, मंजिलें तो उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मनी मैग्नेट के अंदर आज हमारे साथ 2000 लोग एवरीडे पढ़ रहे हैं, लेकिन कोट्याधिपति कौन बनेंगे, दिल के अमीर कौन बनेंगे, आने वाले समय के अंदर भक्तांबर के लिए करोड़ों रुपए का योगदान कौन देंगे, 1 करोड़ हिलर बनाने के अंदर मिट्टी का भी राम सेतु बना तो हनुमान जी का नाम बाद में आता है, लेकिन सबसे पहले वो जो खिसकोली थी, खिसकोली ये हिंदी में कहवाए कि जे खाली कशुज न करी सके, कड़ी वखत धूड़ में जाए, कड़ी वखत पानी में जाए, कड़ी वखत धूड़ में जाए, कि बेचार बूंद जेने माटी नु पण योगदान राम सेतु बनावामां करेलू छे, ई दुनियानी सौथी मोटी दानवीर अने सौथी मोटी मेहनतो इंसान। तो ये मनी मैग्नेट कोर्स नी अंदर मंजिलें उनको मिलती है। चाहे अच्छी आप मां बनना चाहते हो, चाहे अच्छे आप बिजनेसमैन बनना चाहते हो, चाहे एक सक्सेस वुमन बनना चाहते हो, चाहे आप खूबसूरत इंसान बनना चाहते हो, बाहर से अंदर से सब जगह से, क्योंकि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और वो हौसला भक्तामर आपके अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर डाल रहा है, एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना, नई संकीर्तन, नई भक्ति, नया ग्रुप, नए दोस्त, हर गांव से लोगों के जीवन में जो। और आखिरी बात, अभी ये पूछो, ये अभी ये न पूछो कि हमसे मंजिल कहाँ है। घना बधा जी मुझे मोक्ष में केवी रीते जवाय, भक्तामा रिलिंग એટલે શું, બધું તમને જ અનુભવ થશે। કેવી રીતે થશે, ક્યારે થશે, તમે જ્યારે ઈચ્છશો ત્યારે। તો કે પહેલા નંબર ની વાત, અભી ન પૂછો હમસે મંજિલ કહાં હે, આજની આખરી વાત। અભી હમને ચલને કા ઈરાદા કિયા હે, संकल्प सिद्धि अनुष्ठान, नवरात्रि ना जबरदस्त अनुष्ठानों पछी पुण्य लक्ष्मी अढ़ड़क पैसा, लॉ ऑफ एट्रैक्शन नो जे नियम छे कि रोज विजुलाइजेशन करवानू छे कि मारी पासे पैसा खलास थई गया छे, हूँ दुखी छु, कोई मने पैसा नथी आपतो, एवुं नथी करवानू। मारी तिजोरी डॉलरो थी, 2000 रुपया ना बंडलो थी छलोछल भरेली छे, अने जेवो हूँ आम दरवाजो खोलू छु तो बंडलो सड़सड़ करता नीचे पड़ी रहा छे। એટલા માટે જ કીધું છે કે અભી ન પૂછો હમસે મંજિલ કહાં હે, અભી હમને ચલને કા ઈરાદા કિયા હે। બધા લોકોએ મનથી નક્કી કરી દીધું છે કે 2021માં મારો ગોલ આ છે। જેને જેને પણ હજી મકાન પોતાનું થયું નથી, બધાએ મકાન આખું ડ્રો કરી નાખવાનું છે કે નેક્સ્ટ યરમાં આવું મકાન મારી પાસે હોવું જોઈએ, નેક્સ્ટ યરની અંદર સારામાં સારી ગાડી મારી પાસે હોવી જોઈએ, સારામાં સારી ગાડીની અંદર હું પોતે બેઠો છું, નેક્સ્ટ યરની અંદર મારો છોકરો મારી છોકરી સારામાં સારા કોલેજ ની અંદર એને એડમિશન મળી ગયું છે, મારા છોકરાને મારી છોકરીને સારામાં સારું પ્રમોશન જોબ ની અંદર મળી રહ્યું છે, ને એટલા માટે છેલ્લી બે લાઈન ગુરુદેવ ચંદ્રશેખર વિજય મહારાજ સાહેબ, વિશ્વના તમામ ધર્મગુરુઓ પ્રત્યેક શ્રાવકની સમૃદ્ધિની કામના સાથે આશીર્વાદ આપતા આપતા કહી રહ્યા છે કે અભી ન પૂછો હમસે મંજિલ કહા હે,
अभी हमने चलने का इरादा किया है, ना हारे हैं ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ना हारे हैं ना हारेंगे कभी, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। कौन पोता ने वादा करवा मांगे जे आ दुनिया नो सौथी दिल नो पैसा नो अमीर बनवा मांगू छू। दरेक व्यक्ति सेजल बेन जिग्ना बेन मीना बेन पैसा थी पण अमीर बनवानु छे ने दिल थी पण अमीर बनवानु छे, तेनो लाइफ मैनेजमेंट और चाली रह्यो छे, जेनी चार मुख्य बाबतो आज तमने बधाने मारे शीखवाड़वानी छे। तो के पहला नंबर नी अंदर गोल बनाओ, बधाए बराबर सबने लिख लिया है कितने पैसे चाहिए आपको। बिल गेट्स हमेशा सोचते थे कि मैं पैसे वाला हूं मैं अमीर हूं, जब तक आप दिमाग से तैयार नहीं बनोगे तब तक वो कार्य नहीं होगा, तो वो हमें करना पड़ेगा। पहली चीज, खास 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 बिलीव सिस्टम को, विश्वास को, श्रद्धा को, भक्ति को मजबूत बनाइए। जितना बिलीव सिस्टम आपका पावरफुल होगा उतना ज्यादा आपको जो स्पीड है काम करने की, जो गति है वो जबरदस्त हो जाएगी। तीसरे नंबर की पावरफुल चीज है कि पैसे को महसूस करो, खुशी को महसूस करो। मेरे पास नए मेरे सपनों की गाड़ी है, मेरा घर है, मैंने मेरे स्वद्रव्य से जिन मंदिर बनाया हुआ है, पैसे जैसे जैसे आएंगे हम धर्म में लगाएंगे, मैंने मेरे गुरु की भक्ति की है, मैंने एक जबरदस्त मेरे गांव में भक्तामर की शिविर कराई है, तो फीलिंग जितनी आपकी पावरफुल होगी, जितना आपका पावरफुल विजुअलाइजेशन होगा उतना खुशी की स्पीड जबरदस्त बढ़ने होने होने वाली है। और अब वर्तमान समय की मैं आपको बात बताऊं कि आप यदि चाहोगे कि दुनिया के अंदर के मैं आपके बच्चे के अच्छी स्कूल में आपको एडमिशन कराना है, आप 8 से 9 10 लोगों को पूछेंगे, 9 लोग बोलेंगे बहुत बढ़िया है, लेकिन एक व्यक्ति भी आपको नकारात्मक बोलेंगे तो आप नकारात्मक चीजें पहले यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। तो हमें हमारी बिलीव सिस्टम, आप पैसादार बनने के लिए ही जन्मे हैं, आप दान देने के लिए ही जन्मे हैं, आप लोगों को सपोर्ट करने के लिए ही जन्मे हैं, और इसी श्रृंखला को चरितार्थ करने के लिए खास 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 देखिए 3 वाक्य दिमाग से आप निकाल दीजिए। पैसे कैसे आएगा? बहुत सारे लोगों को कर्जा हो गया है, कर्जा होना एक नॉर्मल बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और ये जितने भी लोगों को मैं आज बोल रहा हूँ उसमें से एक भी ऐसा इंसान नहीं जिसको 50 100 करोड़ का कर्जा हो गया हो, तो कोई बात नहीं, कर्जा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आज से कभी भी आपको मन के अंदर ऐसा बोलना कि मैं तकलीफ में हूं, आपको नहीं बोलना है, आपके परिचित में जितने भी लोग आ रहे हैं उसको बोलना है कि भाई तू तकलीफ 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 बोलेगा तो वो जो एगोरा बनेगी, वो जो ऊर्जा बनेगी आपकी लाइफ में तकलीफ और ज्यादा बढ़कर के आने वाली है। 3 वाक्य मैं आज आपको सिखा देता हूँ। दूसरे नंबर में कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलना है कि मुझे पैसों की दिक्कत है। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा करते हैं पूजा बहन या कोई भी लोग, कोई महाराज साहब जी का भी फोन आता है कि भाई लाभ लेने जैसा है, तो अभी देखो कोरोना है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, मुझे पैसों की दिक्कत है, वो बिल्कुल नहीं बोलना है। और तीसरा नंबर का एक शब्द कि मैं प्रॉब्लम में हूं, तो उनके सामने हम बोलेंगे क्या, कैसे पैसे को हम आकर्षित करेंगे? तो इनका पहला स्लोगन है, पैसा कमाना बहुत आसान है। दूसरे नंबर के अंदर, मेरी लाइफ में पैसा बड़ी आसानी से आ रहा है, मैं अमीर हूं और मैं बहुत खुश हूं। कि धनतेरस के दिन ज्यादा से ज्यादा आपको विजुअलाइजेशन करना है, देखना है, समझना है, फीलिंग करना है, और जो भी आपके पास पैसा है, चाहे आपके पास 2,000 रुपया है, 2 लाख रुपया है, 2 करोड़ रुपया, उनका जितना ज्यादा सम्मान, बड़े बड़े आचार्य भगवंत भी सूरी मंत्र के अंदर महालक्ष्मी देवी का पूजन करते हैं, उनको धर्म लाभ देते हैं, उनको अलग अलग प्रकार का अनुष्ठान करवाते हैं, तो कम है ज्यादा है वो बात की, कितना अमाउंट है वो नहीं देखना है, लेकिन जो भी आपके वॉलेट में बैंक में जो भी पैसा है उनका खास सम्मान करें।
और भक्तामर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक कॉमन नियम, तो लगभग 40-50 हजार लोग जो पढ़ रहे हैं, 80-90% लोगों को तो बिलीव सिस्टम में हो गया, लेकिन कुछ कुछ लोगों के कोने में, भले आप 100% हमारे पर विश्वास करो न करो बात की बात है, लेकिन 5 दिन के लिए, क्योंकि धनतेरस अब अगले साल आने वाली है, तो 5 दिन के लिए 100% आप बिलीव बना लीजिए कि भक्तामर साधना से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आने वाला है। 5 दिन के लिए खाली मैं आपको, क्योंकि धनतेरस वो विश्व का एक ऐसा त्योहार है, ऐसा पावरफुल एनर्जी का दिन है, तो जो जो भी लोगों का काम अभी तक नहीं हुआ है या काम गति के ऊपर है या जो भी जिसकी भी स्थिति अभी डामाडोल है, उन सभी के लिए खास 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 करके 5 दिन तो आप बिलीव करके भक्तामर से मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन आ चुका है। तो इसी के लिए जीवन के अंदर लाइफ मैनेजमेंट की बातें चल रही है, लाइफ मैनेजमेंट की, समय बड़ा बहुत बलवान है, और समय जो व्यक्ति जिसका समय का मैनेजमेंट नहीं करता है, वो व्यक्ति समय कभी भी उनको सपोर्ट करता नहीं है। खरे मोती की तरह जिसको भी समय का मूल्यांकन, कोई व्यक्ति रेस में है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है और यदि 1 सेकंड भी वो लेट हो जाता है, उसका कितना बड़ा सम्मान, आज जो करना है वो आज ही हम करेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आज करे सो कल कर, कल करे सो परसो, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी पड़े है बरसो। कितने लोगों को हमारे यहाँ से टीम में से फोन आता है कि आप अक्टूबर चातुर्मास में ज्वाइन होइए, आप आयोजन के अंदर जुड़ जाइए, अभी क्या है, अभी तो 40 साल का हूँ, अभी तो 50 साल का हूँ, बूढ़ा हो जाऊंगा तब धर्म करूंगा, जो भी काम करना है उसका प्रारंभ। बहुत सारे लोग वेस्टर्न कपड़े बहुत पहनते हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाश्चात्य संस्कृति के अंदर खान पान आप लोगों ने ले लिया, कपड़े ले लिया, बहुत सारी पश्चिमी देशों की चीजें हमने एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन जो मेन एक चीज एक्सेप्ट करने की थी वो इंडिया वाले कहीं ना कहीं चुके हैं, और उसका नाम है समय। क्या मैं सही बोल रहा हूं, हाँ या ना? एक पति पत्नी का झगड़ा हो गया, ये इंडिया का दृष्टांत आपको सुना रहा हूं, और इतना जबरदस्त झगड़ा हो गया, पति ने बोला कब मैं मर जाऊंगा, अब मेरे को जीना ही नहीं है। पत्नी को भी पता था कि ये कोई मरे ऐसे तो है नहीं, खाली खाली बोलते हैं जाओ मर जाओ, मरने के लिए कहां मरोगे, तो कि मैं ट्रेन के नीचे जाके मर जाऊंगा। ज्ञान से सुनना, जो भी लोग आज करने का काम कल पर छोड़ते हैं, कल का काम संडे आएगा तब करेंगे, मंडे आएगा तब करेंगे, अगले महीने करेंगे, पति भी घबरा गया कि पत्नी तो रोक ही नहीं रही, करे तो करे क्या, नशे नशे में तो घर से बाहर निकल गया, तो 5-10 मिनट हुई वापस आ गया, पत्नी को बोला था कि मैं ट्रेन के नीचे मर जाऊंगा, तो पत्नी भी एकदम चौकीन हो गई, क्यों वापस आ गए, आप तो मरने के लिए गए थे, तो बोले मैं मरने के लिए जा तो रहा हूँ, मैं मरूंगा भी ट्रेन के नीचे, लेकिन यदि शायद ऐसा भी हो जाए कि ट्रेन 3-4 घंटे लेट आ जाए, तो एक काम को थोड़ा टिफिन तो बना ले, खा के मर जाऊंगा। कहने का तात्पर्य इतना है कि हम इतने लेट लतीफ हो चुके हैं, इतने लेट लतीफ हो चुके हैं कि जिंदगी जो है, जिंदगी अमृत है मेरे राजा, इसे पियो ढोलो कम पियो ज्यादा। प्रत्येक क्षण का, दीपावली के लिए अभी से नए नए कपड़े निकालिए, पूरी तरह से घर को रंग रोगान कराइए, जितने भी गहने हैं, जितनी भी बढ़िया से बढ़िया मिठाइयां हैं, वो चीज आपको बहुत 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 पसंद है, शानदार रंगोली बनाना है घर के लिए। तो ये बात करते करते समय जो है, जब आपको समय से चलना ही नहीं है जिनको, तो शास्त्रकार भगवान हमारे गुरुदेव बताते कि उनके घर में और उनके हाथ में घड़ी कभी भी शोभा देती नहीं है, घड़ी सिर पर, फिर क्यों बांधते हैं हाथ में घड़ी, गुरुदेव लिख रहे हैं, जब आपको समय में चलना ही नहीं है, समय पे दौड़ना ही नहीं है, तो खास खास, और ये व्यवस्था की सुधारने की बात मैं मेरे खुद से करूंगा, आप सभी लोगों को खुद के ऊपर ही करना पड़ेगा कि जितना ज्यादा समय पर हम चलेंगे। हमारे साथ में अभी 30 हजार लोग पढ़ रहे हैं और क्लास में कितने लोग आते हैं, 400 लोग, 500 लोग, बहुत हो जाता है तो कभी कभी 10 हजार लोग जुड़ जाते हैं। गुरु जी तो आ जाएंगे, गुरु जी बोल लेंगे, अभी टाइम नहीं तो बाद में सुन लेंगे, आधा सुन लेंगे, पौना सुन लेंगे, एक आध दो चीज समझ में है तो फोन से पूछ लेंगे,
लेकिन हाथ में और दीवार में बंधी हुई घड़ी टक 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 आपको जगा रहेगी। जग जाइए, ऐसा अवसर बार बार नहीं आएगा। जो समय के साथ में नहीं चला, समय उसको फेंक देगा। और करे समय की कद्र, खास 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 व्यस्त रहना है। एक खास बात है, जिसको भी पैसा कमाना है उसको 24 घंटा, किसी के लिए ब्रह्मांड के अंदर 25 घंटा नहीं है, 24 घंटे में ही मैनेजमेंट करना है। तो आज की आखिरी बात कि व्यस्त रहे, सावधान रहे, पर अस्त व्यस्त ना रहे। बहुत सारे लोगों को कभी फोन करो, मैं तो बहुत बिजी हूँ, बहुत बहुत बिजी हूँ, बहुत बिजी हूँ। तो खास इजीनेस के साथ, बिजीनेस के साथ नहीं, ऐसे रहना है कि छोटे छोटे शब्द आपके जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। तो हमें बिजी मैन नहीं बनना है, इजी मैन बनना है। और ये सारी चीजें ही आपको ऐसे लक्ष्मी आकर्षण, लक्ष्मीपति आपको बनाएगी, ऐसे सफलता के बुलंद आपको चुराएगी। और खास 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 बहुत सारे लोग बिल भरना रहता है, लाइट बिल आता है, क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, डेबिट कार्ड का बिल आता है। अभी तो 3 दिन बाकी है, 3 दिन में एक आध दिन और चला जाता है, एक आध दिन और चला जाता है। लापरवाही के कारण खास 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 कितने सारे हमारे पैसे वेस्टेज के रूप से चले जाते हैं। और आखिरी बात कि समय के साथ जो चले, समय आपका साथ देगा। आप दुनिया के अंदर खुश नसीब पत्नी बनना चाहते हो, खुश नसीब इंसान बनना चाहते हो, दुनिया में ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जिस दिन 25 घंटे हो। कार्य को व्यवस्थित रूप से ढंग करने के लिए 24 घंटे में आपको और मुझे काम करना पड़ेगा। तो अष्टलक्ष्मी का जो स्वरूप है, मकान बराबर विजुलाइजेशन कीजिए। वैसे तो सब लोगों ने पहला गोल आप लोगों ने लिख लिया होगा, 31/12/2021, खास नोट कर लीजिए, 31/12/2021 के पहले कितने पैसे आप चाहते हो, कैसा घर आप चाहते हो, कैसी गाड़ी आप चाहते हो। और खूब अगत्य का नियम, धनतेरस के दिन आपको शाम को क्या करना है, दिवाली के दिन शाम को क्या करना, वो मैं आपको लिखा रहा हूँ। बहुत सारे लोग संडे को खास आप जल्दी उठिए, बहुत सा संडे जैसे ही होता है लेट लेट लेट, क्योंकि जितना ज्यादा समय के हमें यदि साथ चलना है तो खास पूरे सप्ताह में जो आपने काम नहीं किए हैं वो आपको संडे को करना है। खास करके अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, खास करके हमें हमारे माता पिता को ध्यान देना है। और आखिरी बात, मनी मैग्नेट कोर्स के अंदर समय पे ध्यान देने के लिए भोजन को सुचारू रूप से समयसर बनाए। यदि आपका भोजन भी बराबर नहीं है तो आप जिंदगी में कभी भी करोड़पति बन नहीं सकते हो। सबसे बड़ा धन वो आरोग्य है। तो हो सके जो सैकड़ों लोगों ने बहुत सारी, आप लोग कभी तो वैसे ठंड चालू हो चुकी है और सैकड़ों लोगों को बीच में मैंने नियम दिया था कि फ्रिज का पानी हम पिएंगे नहीं, याद है सबको कि भाई वापस चालू कर दिया है फ्रिज का पानी। ठंडी का वैसे भी मौसम चालू होने वाला है, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो फटाफट फूल से हो भी गया है, मिच्छा में दुकड़म वापस चालू कर दो। आज एक आखिरी बहुत बड़ी बात बताता हूँ। पहले नंबर में तो जैन धर्म कहता है कि रात्रि भोजन नहीं करना है, पर आपसे नहीं हो रहा है, आपका शरीर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो कम से कम शाम को लाइट भोजन, दूध फ्रूट चावल दूध आदि जो भी एकदम लाइट भोजन है, और वो भी अल्प मात्रा में और अल्प चीजें, क्योंकि इसको भी खाना, बहुत सारे लोग खाना खा के सीधे बिस्तर में चले जाते हैं। और जो भी लोग 8 बजे 9 बजे 10 बजे 11 बजे खाना खा के जैसे ही बिस्तर में जा रहे हैं, आप सीधा बीमारियों को आमंत्रण दे रहे हैं। याद रखे, खास करके आज का जो समय मिला है, ईश्वर किसी को एक भी क्षण ज्यादा देता नहीं है। तो समय का हम मैनेजमेंट करेंगे, भोजन का मैनेजमेंट करेंगे, आज का काम हम आज करेंगे। और जब भी ध्यान कर रहे हैं तो सबसे पहले रकम आंकड़ा, और सबसे बड़ी धार्मिक बात कि क्यों मनी मैग्नेट कोर्स हमने बनाया, तो जैन धर्म में भी लिखा है कि प्रत्येक व्यक्ति को परिग्रह परिमाण व्रत लेना चाहिए। चातुर्मास के प्रारंभ में मैंने 12 व्रत आपको बताए थे,
उसके अंदर पांचवें नंबर का जो व्रत है उसका नाम है परिग्रह परिमाणों के। मैं मेरे जीवन में 100 करोड़ से ज्यादा मेरे नाम से नहीं रखूंगा, 5 करोड़ से ज्यादा मैं मेरे नाम से नहीं रखूंगा। तो उनसे विश्व का बाकी जितना भी पैसा है वो पाप से आप कट जाते हो। तो आपको पूरी कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी आपके जो सुदेव सुगुरु सुधर्म है उनके पास जाकर के परिग्रह परिमाण व्रत कि मैं मेरी पूरी लाइफ में इनसे ज्यादा पैसा मेरे अकाउंट में रखूंगा नहीं। तो दुनिया भर के करोड़ों रुपए के पाप से, करोड़ों रुपए के अंतराय से आप बच जाते हो। तो कोशिशों में छिपा है कामयाबों का राज। और आखिरी बात, सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट, कुछ कर गुजरने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। आज आपको इसका बराबर इमेज बना करके, आपका फोटो लगा करके, सबको जम करके फेसबुक के ऊपर लगाना है, यूट्यूब पर सभी लोगों को भेजना है। सफलता का जो सीक्रेट है, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, साधन सभी जुट जाएंगे, लेकिन संकल्प का धन चाहिए। जैसे ही आपका जबरदस्त संकल्प होगा, पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, भक्तांबर, आदिनाथ भगवान और विश्व की तमाम परम शक्तियां करोड़ों रुपये को आपके चरण में ला करके खड़ा कर देगी। शालीभद्र के वहां 99 बेटियां उतर सकती है। दुनिया के कई ऐसे नबीरों 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल के युवाओं करोड़ों रुपया कमा सकते हैं। तो हम सभी लोग भी कमा सकते हैं, समाज उत्थान के लिए, हमारे परिवार की खुशियों के लिए। और वो खास 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 जल्दी से जल्दी आप सब लोग प्राप्त करें। उसके लिए क्या करेंगे धनतेरस को, क्या करेंगे काली चौदस को, वो सारी बातें भी आखिरी में 5-10 मिनट में आप सभी को लिखाऊंगा। अभी पूजा जी, 8 प्रकार की कौन कौन सी लक्ष्मी है, पैसों के साथ साथ में आप क्या क्या और समझेंगे, कैसे आपका सौभाग्य नाम कर्म, जब बहुत सारी महिलाएं यहाँ पर पढ़ रही है। मैंने बीच में भी आपने आपको बोला था कि आपको अंजना देवी हनुमान जी की जो माता है, वस्तुपाल तेजपाल की जो पत्नी है, सुलसा देवी है, चंदन बालाजी है, जो भी विशिष्ट कोटि की जितनी भी महासतिया है, अनुपमा देवी है, उन सभी का चरित्र को पढ़ना है। और आप सभी के अंदर ऐसा ललाट है, आप सभी का ऐसा पावरफुल भाग्य है कि आप सभी लोग एक एक पुनः इतिहास का रचना करने वाले हो। तो जो भी श्राविका का इतिहास आपको अच्छा लगे कि मुझे अंजना जैसा बनना है, मुझे अनुपमा देवी जैसा बनना है, मुझे सुलसा श्राविका, जिसको बहुत भक्ति करने का मन करे वो सुलसा श्राविका, जिसको बहुत दान देने का मन करे। अनुपमा देवी ने बोल दिया था कि जितने भी कारीगर है, मेरे भगवान का ऐसा मंदिर बनाइए कि जितने आप बड़े बड़े पत्थर लाएंगे उसके उसके वजन के बराबर मैं आपको चांदी का टुकड़ा दूंगा। और मंदिर के अंदर इतनी खतरनाक आप नक्शी का काम कीजिए, जितना बारी का भुक्का लेकर के आएंगे मैं आपको सोने से मढ़ दूंगी। कि मुझे ऐसा कोट्याधिपति दान देना है, सुलसा श्राविका जैसा चारित्र का पालन करना है, भगवान की जिसको तप बहुत करना है वो मैं चंदन बाला जैसी बनना चाहती हूँ। ऐसी अद्भुत संकल्प शक्ति आपके परिवार में बहुत सारी खुशियां लाए, आने वाले महीनों में, आने वाले साल में बहुत सारा पैसा लाए, और ये मनी मैग्नेट कोर्स आपके जीवन के अंदर बहुत 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 संपन्नता लाए। इसी श्रृंखला के अंदर धनतेरस, काली चौदस और दिवाली के दिन 3 महाअनुष्ठान हम सभी लोग सामूहिक रूप से कैसे करेंगे, इनकी बातें हम आगे देख रहे हैं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। बहुत सारी बातें आज हमने गुरु जी से जानी, सीखी, समझी। समय का महत्व जीवन में बहुत ज्यादा है। समय को समय दीजिए तो सच में समय भी आपको समय देगा। खास 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 टाइम मैनेजमेंट, जीवन का मैनेजमेंट यानी कि लाइफ मैनेजमेंट, ये जो है वो हमारी जीवन की पाठशाला के सारभूत है। ये आप बिजनेस मैनेजमेंट के स्कूल्स में नहीं सीख सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ से ही ये चीजों को सीख सकते हैं। तो समय पे हर एक काम को करिए, ये हर एक क्षेत्र में आपको उन्नति देगा। चलिए, कल हमने बात किया था कि श्री यंत्र क्या है। रियली माँ महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और आज हम बात करेंगे कि अष्ट महालक्ष्मी का जो स्वरूप है,
हम महालक्ष्मी माँ के जो 8 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, तो ये अष्ट महालक्ष्मी स्वरूपों की क्यों वंदना करते हैं? सबसे पहले एक छोटा सा फोटो देख लेते हैं कि अष्ट महालक्ष्मी के जो स्वरूप है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं। माता रानी का मुख्य जो बोलते हैं कि विराजित है, माता रानी कमल के ऊपर विराजित है, और एलिफेंट, कल गुरुजी ने भी बोला था कि एलिफेंट आपको घर में रखने से भी धन लाभ होता है। तो ये मुख्य माता रानी की अष्ट लक्ष्मी का पूरा एक फोटोग्राफ कि जिसके अंदर सबसे पहली मूलभूत माँ यानी कि आदि लक्ष्मी माँ जो अष्ट लक्ष्मी का मुख्य स्वरूप, जिसको अगर हम चक्र साधना के साथ भी जोड़े, आप जैसे नोट और पेन लेके सब बैठे हुए हैं तो आप लिख सकते हैं कि अष्टलक्ष्मी माँ की साधना हम चक्र साधना के साथ भी जोड़ सकते हैं। और हर एक लक्ष्मी माता हमारे जीवन में उन्नति और प्रगति के आशीर्वाद देती है। तो मूलभूत माँ है महालक्ष्मी माँ का रियल स्वरूप यानी आदि लक्ष्मी माता, अष्टलक्ष्मी की प्रथम माता यानी आदि लक्ष्मी माता, जो हमें जीवन में आशीर्वाद देते हैं कि नई अपॉर्चुनिटीज हमारी लाइफ में आए, कुछ नया बिगिनिंग हमारी लाइफ में हो। दिवाली का ये महापर्व और नूतन वर्ष यानी कि बेस्तु वर्ष, नूतन वर्ष हमें यही संदेश देता है कि हमारे जीवन में हम जहाँ पर भी फंसे हुए हैं, स्टक किए हुए हैं, वहां से बाहर निकले, कुछ प्रोजेक्ट्स जो अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, उसको खत्म करने का ट्राई करें, या फिर हम कुछ ऐसी नई अपॉर्चुनिटीज अपने लिए कहीं से लाएं। तो वो ऑटोमेटिक कहाँ से आएंगी? तो ये जो 5 हमारे भव्याति भव्य महापूजन है दीपावली के त्योहार के ऊपर, उसके अंदर आपको ये संकल्प पूर्वक सभी पूजनों को करना है कि अष्ट लक्ष्मी माँ की कृपा मेरे जीवन में हर दिशाओं से आ रही। तो जिसमें मूलाधार चक्र के साथ अगर हम कनेक्ट करें, क्योंकि मूलाधार चक्र को भी बोला जाता है कि मूलाधार चक्र स्ट्रांग होने से आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है, तो अष्ट लक्ष्मी माँ की साधना से आपको जीवन में न्यू बिगिनिंग मिलता है, न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलती है। साथ साथ में मनी का मैग्नेट, मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र, ये दोनों मनी मैग्नेट चक्रास है। अब जितना मूलाधार चक्र और मणिपुर चक्र को क्लीन रखेंगे, उसके ऊपर मंत्राक्षरों को लगाएंगे, जितना आज्ञा चक्र में उस कलर्स को विजुअलाइज करेंगे, उतना ज्यादा मनी को आकर्षित यानी कि धन को आकर्षित करने की शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो ये हो गए फर्स्ट माता जी का स्वरूप। दूसरा स्वरूप है संतान लक्ष्मी स्वरूप। हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हमारे जो जीवन की बोलते हैं ना कि चक्र है, वो ऐसा चक्र है कि जन्म लिया, जो भी पढ़ाई लिखाई की, शादी किया, घर परिवार को सेट किया और खत्म, लाइफ अप टू द एंड। पर इसके अंदर भी जैन शासन के लिए हम क्या कुछ नया कर सकते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं? तो जैन शासन के लिए भी हम संतान लक्ष्मी माँ का स्वरूप को पूजा करते हुए, अर्चना करते हुए माँ को बोल सकते कि मेरा जो बेटा है, मेरा मेरी जो बेटी है, उसको आप इतनी सद्बुद्धि दीजिए माँ कि मेरी संतान को उन्नति का आशीर्वाद दीजिए, और वो उन्नति का आशीर्वाद ये माता रानी का स्वरूप हमें देता है। अगर चक्र की बात किया जाए, अगर जो भी न्यूली मैरिड कपल है और जो संतान के लिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विश करते हैं, तो संतान प्राप्ति हेतु भी संतान लक्ष्मी माँ की साधना बोली गई है। स्वाधिष्ठान चक्र आप लिख सकते हैं, स्वाधिष्ठान चक्र यहाँ पर कनेक्टेड है, और जो भी रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, स्पेसिफिकली डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, वो स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर ये चक्रास को क्लीन करते हुए आपका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम में डायबिटीज कम होता है, और आप बोल सकते हो कि नील हो सकता है, और साथ साथ में रिलेशनशिप रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको ये माँ की साधना करने से मिलता है। आगे बढ़ते हुए जो तीसरे नंबर की माँ है वो है धनलक्ष्मी माँ। तीसरा स्वरूप यानी कि धनलक्ष्मी स्वरूप।
धनलक्ष्मी स्वरूप का माता रानी का आशीर्वाद हमें जीवन में क्या देता है, तो ये आशीर्वाद हमें जीवन में एक्चुअल कैश फ्लो देता है। आज हम संकल्प की इतनी सारी बात कर रहे हैं, संकल्प की ऊर्जा यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर जूम और फेसबुक को मिला के अगर 1000 लोग भी बैठे हुए हैं आज, तो हर एक इंसान ने महसूस की है, तभी आप आज तक यहाँ पर हमारे साथ हो। गुरुजी का एक संकल्प, मेरा एक संकल्प, हमारी पूरी टीम का एक संकल्प कि भक्तामर की भक्ति घर घर में पहुंचानी है, हर एक इंसान को सुखी बनाना है, स्वस्थ बनाना है, पवित्र बनाना है, और ज्यादा धार्मिक प्रवृत्तियों में जोड़ना है, और सब आर्थिक रूप से भी उन्नत बने, शारीरिक और मानसिक रूप से भी उन्नत बने, ये हमारा सबका जो संकल्प है। तो इस संकल्प की ऊर्जा का जो महसूस आपने किया है वो आपको मिलता है धनलक्ष्मी माँ की कृपा से, कि संकल्प के साथ साथ अगर धनलक्ष्मी माँ का आशीर्वाद हमारे ऊपर हो तो एक्चुअली वी कैन जनरेट द कैश फ्लो, साथ साथ में उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति और उत्तम वेल्थ जो हमें चाहिए। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ का अगर हमें मालिक बनना है तो हम बन सकते हैं धनलक्ष्मी माँ की कृपा से। और अगर चक्र के बारे में बात करूं तो मणिपुर चक्र कनेक्टेड है, पेट के रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी भी है, स्पाइन रिलेटेड, बैक साइड्स की अगर बात करें तो स्पाइन रिलेटेड जिसको जो भी प्रॉब्लम है वो सारी प्रॉब्लम मणिपुर चक्र कवर करता है। और मणिपुर चक्र की साधना करते करते हमारी ये सारी प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाती है। आगे बढ़ते हुए अष्टलक्ष्मी माता रानी का नेक्स्ट स्वरूप है धैर्य लक्ष्मी माँ, और धैर्य लक्ष्मी माँ हमें जीवन में प्रदान करती है धैर्य का, यानी कि पेशेंस। आजकल हमारे पास वैसे देखे तो सब कुछ है, बहुत सारे ऐसे फोन कॉल्स आते हैं कि लाइक मेरे पास सब कुछ है बट मुझे शांति नहीं मिलती, और जब पूरा बात सुनते हैं ना, पूरा केस में सुनती हूँ ना, 5 मिनट 10 मिनट जब बात करती हूँ ना, तब पता चलता है कि ये बहन के पास रियल में सब कुछ है बट एक ही चीज की कमी है, वो है पेशेंस, धीरज नहीं है, सब कुछ जल्दी 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 चाहिए, जल्दी जल्दी उतना नहीं मिलता है, जो मिलता है कभी बाय फ्लुक मिल जाए बात अलग है, पर बाकी जीवन में 90% चीजें हमें पेशेंस, खुद के ऊपर भरोसा और लक्ष्य प्राप्ति के प्रति जब हम एक बोलते हैं ना स्ट्रेटेजी में काम करें तभी हासिल हो सकता है। तो ये धैर्य लक्ष्मी माँ को हमको विराजित करना है हमारे हृदय चक्र में, क्योंकि ये माँ कनेक्टेड है हमारे अनाहत चक्र के साथ, यानी कि हृदय चक्र के साथ, और धैर्य लक्ष्मी माँ की साधना से हमारे जीवन में धैर्य का आगमन होता है। साथ साथ में जो पिंकिश एनर्जी है, वो पिंकिश एनर्जी से हम जो सॉन्ग गाते हैं ना कि मैत्री भावनु पवित्र चरणु मुझे हैया मा वया करे, तो आप मैत्री भावनु पवित्र चरणु जे आपड़े दरेक माटे हर कोई के लिए, वी वांट के वर्ल्ड में पीस हो, वर्ल्ड में रिलेशनशिप्स में सब कोई एक दूसरे को फ्रेंडली बिहेव करे, कोई किसी का दुश्मन ना हो, और एक हमारी उन्नत भावना की सभी जीव करु शासन रसी। तो ये सभी जीव करु शासन रसी की जो भावना है, और प्रभु महावीर का सिद्धांत क्षमा विरस्य भूषणम, तो ये क्षमा की भी भावना हमारे हृदय में से ही आती है। तो हृदय के अंदर धैर्य लक्ष्मी माँ को हमें विराजित करना है, और साथ साथ में धान्य लक्ष्मी माँ भी हृदय कमर के ऊपर विराजित रहती है, तो एक स्वरूप धान्य लक्ष्मी माँ के उसपे भी हम ले सकते हैं। कंठ चक्र की बात करें, विशुद्ध चक्र की बात करें, तो वहां पर विराजमान है ऐश्वर्य लक्ष्मी माता। ऐश्वर्य लक्ष्मी माता यानी कि जो चीजें हमें चाहिए रियल भौतिक लाइफ में, हमें सबको नेम चाहिए, सब चाहते हैं कि मेरे को 500 लोग 1000 लोग जाने पहचाने, एक रिस्पेक्टेबल स्थान हम सबको चाहिए, तो एक नेम चाहिए, एक फेम चाहिए, कुछ ना कुछ कार्य हम जो करते हैं, हमारा जिस भी क्षेत्र में स्किल है, हम चाहेंगे, हर एक इंसान चाहेगा कि मेरे स्किल का हर लोगों को लाभ मिले, कहीं ना कहीं मेरी भी तारीफ हो, कहीं ना कहीं मुझे भी लोग कंसिडर करें, ये चाहना हम सबकी होती है। फिर चाहे हमारा एज 5 साल का है कि 50 साल का है वो फर्क नहीं पड़ता है,
तो आपको नेम चाहिए, फेम चाहिए, आपको हर क्षेत्र में सफलता चाहिए। और अगर आपको आपकी ऑरा को स्ट्रॉन्ग बनाना हो, सबसे बड़ी बात यहाँ पर हीलिंग के साथ अगर मैं इस चीज को कनेक्ट करके बोलूं, तो अगर इफ यू वांट योर ऑरा टू बी वेरी पावरफुल, सेवन लेयर्स ऑफ योर ऑरा, इफ यू वांट कि हर एक लेयर में से पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी एंड ओनली पॉजिटिविटी शुड बी देयर, देन दैट यू कैन अचीव कंठ चक्र के ऊपर विशुद्ध चक्र की साधना करते करते ऐश्वर्य लक्ष्मी माँ को वहां पर विराजित करते हुए। तो वहां स्वरूप है माता रानी का कि विशुद्ध चक्र, और आगे बढ़ते हुए आज्ञा चक्र जो पूरा कंट्रोलिंग करता है हमारे दिमाग का। और जब हमारा हम मेंटली फिट है तो बाकी हर एक क्षेत्र में हम फिट है। अगर हमारे विचार ठीक है, विचारों के साथ हमारा खुद का ही हमारे विचारों के साथ अगर तालमेल है तो हम जीवन में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। जहां पर बोलते हैं ना कि मुझे बहुत सारे ऐसे भी फोन कॉल आते हैं कि डिसीजन पावर स्ट्रांग नहीं है, बहुत सारी मम्मियों के भी फोन कॉल आते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ता है बट वो डिसीजन नहीं ले पाता है, वो एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो तब क्या किया जाए? तो तब का आंसर है कि आज्ञा चक्र में विद्या लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद लिया जाए। वहां पर अष्ट लक्ष्मी में से सप्तम लक्ष्मी माता यानी कि विद्या लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमें लेना है। आज्ञा चक्र पर सकारात्मक ऊर्जा विद्या लक्ष्मी माँ के स्वरूप में हमें मिलती है, जिससे हमें जीवन में डिसीजन लेने का पावर, सही समझ और हमारा जो लॉजिकल थिंकिंग है उसका विकास 100% होता है। हम श्रुत देवी भगवती माँ शारदा की उपासना क्यों करते हैं? हम इतनी साधना इतने मेडिटेशन माँ सरस्वती के क्यों करते हैं? कि हमारी बुद्धि को माँ आप निर्मल करो। अगर हमारी बुद्धि निर्मल होगी तो हमारे पास जो कैश फ्लो आया है, किसी की तिजोरी में अभी भी 1 करोड़ रुपीस पड़ा हुआ है, मैं बोलू अभी मीना बहन को 1 करोड़ भेजो, अभी ऐसे भेज देंगे, सपना बहन है, सजल बहन, बहुत सारे लोग हैं, तो सब लोग हमारे को फटाफट से ऐसे रुपये देते हैं, तो ये क्यों देते हैं? क्योंकि उनके पास विद्या लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, उनको पता है कि कहाँ पर पैसा इन्वेस्ट करने से उसका 10 गुना मुझे मिलेगा, चाहे पैसे के फॉर्म में मिले या चाहे कोई भी फॉर्मेट में मिले, राइट? तो यहाँ पर मेरा कहने का तात्पर्य इतना ही है कि आज्ञा चक्र के ऊपर विद्या लक्ष्मी माँ के साथ साथ माँ सरस्वती भी विराजमान है, तो आज्ञा चक्र को क्लीन करते हुए वहां पर विद्या लक्ष्मी माँ की साधना करनी है। और अंतिम चक्र की जो मुख्य चक्र माना गया है हायर चक्र के अंदर, फर्स्ट चक्र है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, कि जो क्राउन चक्र हमें जीवन का सुपर ग्रोथ का आशीर्वाद जहां से हमें मिलता है, सुपर सक्सेस और सुपर विनिंग पावर हमें मिलता है क्राउन चक्र के माध्यम से। तो सहस्त्रार चक्र के ऊपर विराजित है अष्ट लक्ष्मी माता का स्वरूप यानी कि विजय पुण्य लक्ष्मी माता, जो विजय लक्ष्मी भी प्रदायक है और पुण्य लक्ष्मी भी प्रदायक है। मनी मैग्नेट कोर्स यहाँ पर भक्तामर चक्र आराधना के अंदर करवाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हर एक श्रावक समृद्ध बने, हर एक श्रावक के दिल में एक ऐसी भावना आए कि मैं संघ निकालूं, मैं साधु साध्वी जी भगवंतों की वैयावच करूं, मैं तन से मन से स्ट्रांग हूं तो मैं धन से भी स्ट्रांग बनूं, और मैं तन मन धन लगा के जैन शासन को अपना जीवन समर्पित करूं, भक्तामर की मैं ऐसी भक्ति करूं और गगा आदिनाथ की भक्ति करते करते अंतिम स्वरूप यानी कि मोक्ष लक्ष्मी स्वरूप की मैं प्राप्ति करूं। तो ये हमारी अष्ट लक्ष्मी माता के 8 स्वरूप हो गए, और साथ साथ में हमने चक्र को भी कनेक्ट कर लिया। आई होप कि इसमें से आपको क्लियर आइडिया आया होगा कि हम अष्ट लक्ष्मी की साधना क्यों करते हैं, और पूरी दीपावली के दौरान जितने जितने हमारे अनुष्ठान हो रहे हैं, जितने जितने आप अपने हिसाब से पर्सनली भी अनुष्ठान कर रहे हो, घर पे भी बहुत लोग बहुत सारे ट्रेडिशंस फॉलो करते रहते हैं, तब जो भी ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हो आपको एक संकल्प लेना है कि जो भी दैवीय तत्व है वो दैवीय तत्व मुझे अष्ट लक्ष्मी माँ के आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त हो, उससे आपकी हर प्रकार की
जो भी आपकी विश है, फिर हेल्थ रिलेटेड विश है, फिर आपकी वेल्थ रिलेटेड विश है, फिर आपकी रिलेशनशिप्स रिलेटेड विश है, एक्स वाई जेड जो भी आपका विश है वो 100% परिपूर्ण होगा ही होगा। तो बहुत सारी बातें आज हमने की, और तत्व के बारे में, पंच तत्व जो है, पंच तत्व के बारे में हम कल जानेंगे, कुछ और ज्यादा समझेंगे। आज एक छोटा सा टिप दे के मैं खत्म करना चाहूंगी कि हमारे घर के अंदर जैसे हम मूर्तियों की स्थापना करते हैं, तो वास्तुशास्त्र के नियम के हिसाब से अगर हम सेंटर में महालक्ष्मी की मूर्ति को रखें, उनके लेफ्ट साइड में यानी कि सेंटर में तो महालक्ष्मी माता को हमने विराजित कर दिया, अब महालक्ष्मी माता के लेफ्ट साइड में हमें गुरु गौतम स्वामी जी भगवान को रखना है और राइट साइड में हमें माँ सरस्वती जी को रखना है। इससे क्या होगा कि गुरु कृपा से जो भी हमारे पास धन लक्ष्मी संपत्ति आती है उनका फ्लो बढ़ता है, वो एक पॉजिटिव वे में हमारे पास पहुंचती है, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, और माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने पर माँ सरस्वती की कृपा से उस धन को कैसे इस्तेमाल करना, कितना परसेंटेज मुझे मेरे फैमिली के लिए रखना है, कितना परसेंटेज मुझे मेरी पर्सनल एफडीज में रखना है, कितना परसेंटेज ऑफ मनी मुझे जैन शासन में जैन धर्म के कामों में लगाना है, कितना परसेंटेज मुझे मानव सेवा के लिए लगाना है, और कितना परसेंटेज ऑफ मनी मुझे बोलते हैं ना कि जीव दया के लिए, आप कबूतर को दाना खिलाए, आप गाय को चारा डाले, ऐसे मुंगा प्राणियों की जो भी सेवा करनी है आप अपने हिसाब से वो करने के लिए लगाए, उसका आप एक क्लियर पिक्चर अपने लिए रेडी कर सकते हैं। तो ये खास आप ऐसे करिए, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, सेंटर में महालक्ष्मी माता का मूर्ति या फोटो आप जैसे भी रखो, महालक्ष्मी माता के लेफ्ट साइड में गौतम स्वामी जी भगवान और राइट साइड में सरस्वती माता, ऐसे आप ये ट्रिनिटी बना सकते हो। और अगर हिंदू विधि से देखा जाए तो लेफ्ट साइड में गणेश जी की स्थापना होती है, सेंटर में लक्ष्मी जी की स्थापना होती है, और राइट साइड में सरस्वती देवी की साधना होती है। तो इसी के साथ दादा आदिनाथ की भक्ति करते करते, भक्तामर की भक्ति करते करते हम सब सुखी बने, स्वस्थ बने, खुशहाल बने, इस पवित्र भावना के साथ कल वापिस मिलते हैं। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, अस्तु। गुरु जी जोरदार पूजा, मैंने सुंदर बतानी बड़ी वस्तुओं सिखवाई छे। आखिरी दो तीन मिनट के अंदर धनतेरस के दिन आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, महालक्ष्मी पूजन हम सब लोग करेंगे, अष्ट प्रकारी पूजन का सामान, चुनर, कुमकुम, पुष्प आदि सब सबको लेकर के बैठना है, घंटा कर्ण महावीर देव के लिए हवन करना है, तो हवन का हवन कुंड, औषधि, कपूर, तेल, घी, जो भी आपको इजीली मिल जाए, कुछ भी आपको नहीं मिलता है तो एक बढ़िया सा गूगल की अगरबत्ती भी आप चालू कर देंगे जिससे आपका हवन हो जाएगा। पर हवन करेंगे तो और ज्यादा आपकी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, कोई भी आपको घर में वास्तु शास्त्री को बुलाना नहीं पड़ेगा, कोई भी नेक्स्ट ईयर में खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आखिरी अद्भुत बात, क्या करे सदा खुश रहे, क्या करे सदा खुश रहे, बिंदास मुस्कुराओ। आखिरी बात में गुरुदेव पूज्यपाद चंद्रशेखर जी महाराज साहब जी अपने प्रवचनों के सारांश के अंदर बता रहे हैं कि बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसको कम है। बराबर ध्यान से सुन लेना, दिवाली के दिन जब भी आपको मिलने के लिए कोई भी आए, कोई भी व्यक्ति ढीली ढीली बातें करे, तो उनको फोन में जरूर ये चार लाइन सुना देना, वो मुस्कुरा से नाचने लग जाएगा, झूमने लग जाएगा। बिंदास मुस्कुराओ, क्या गम है, जिंदगी में टेंशन किसी को कम है, अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है, जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। इसी के साथ में बहुत बहुत आपकी जो स्माइल है, इसी स्माइल को बेकरार रखने के लिए जैन अनुष्ठान टीम ने पूरी एक शानदार व्यवस्था। धनतेरस के अगले दिन आपको 2 किलो चावल लाना है, बढ़िया से बढ़िया चावल, ध्यान से 2 बार ये विधि देख लेना, सुन लेना, नहीं समझ में आए तो 2-4 बार वीडियो आगे पीछे कर लेना। 1 किलो चावल तांबे का एक बहुत बड़ा कटोरा लेना है, ये विधि बहुत ध्यान से सुनना, जिसके घर में 60-70 साल के बुजुर्ग हैं, जिसके घर में बहुत सारी बीमारियां आ चुकी है, उनके निवारण हेतु ये बहुत पावरफुल प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं। यम का दीपक करने का बहुत जबरदस्त विधान है, आप लोगों ने किसी ने शांति स्नात्र पूजन देखा होगा, जाना होगा, समझा होगा, तो जैन धर्म के अंदर नवग्रह पूजन होता है, जैन धर्म के अंदर
तीर्थंकर भगवान के सामने 10 दिक्पाल देवों का पूजन होता है, जिसके अंदर दक्षिण दिशा के अधिष्ठा है यम देवता। आप कैसा मृत्यु चाहते हो? रिबा रिबा करके मरना चाहते हो? हॉस्पिटल में मरना चाहते हो? एक्सीडेंट के अंदर मरना चाहते हो? क्या जब आप मर रहे हो तब कोई भी व्यक्ति कान में नवकार भी सुनने के लिए नहीं आया? बेटे को अभी का जो मृत्यु का जो हुआ है, 6 महीने का मृत्यु, सैकड़ों लोगों को बोड़ी नहीं मिली है। अभी मेरे दोस्त के मम्मी का मृत्यु 15 दिन के पहले ही हो गया, अटैक आ गया उसको, उसको तो कॉन्टेक्ट थे इसके लिए मिल गया। लेकिन अभी के जो गुजरात में और पूरे भारत वर्ष में जो नया कानून आया है, उसके हिसाब से हॉस्पिटल से ही सीधा उनकी अंतिम क्रिया का चालू हो चुका है। अंत समय कैसा आप चाहते हैं? तो कि अंत समय को समाही मरणम च बोही लागो, मुझे भी जाना है आपको भी जाना है, लेकिन हम जब जाए तो मुस्कुराते हुए जाए, कोई धर्म की क्रिया कान में सुनाए, कोई क्षमा भाव कराए, आत्म समाधि की पूरी विधि कराए, तो उसके लिए यम देवता, हमारे मृत्यु के कारक जो देव होते हैं उसको बोलते हैं यमराज। तो इसी के लिए 10 दिक्पाल पूजन में यम का भी पूजन आता है। और ये 2 दिन ऐसे ही धनतेरस और दीपावली, 13 तारीख और 14 तारीख को खास आपको ये प्रयोग करना है। क्या कैसे प्रयोग करोगे? तो कि बड़े से बड़ा एक तांबे का कटोरा ला देना और उसके अंदर आधा पूना किलो, 1 किलो चावल आ जाए उतना चावल बराबर पूरा वो कटोरों के अंदर भर देना है। सब लोग ध्यान से सुनना, लिख लेना। एक कटोरा लेना है जिसके अंदर 1 किलो चावल आ जाए उतना चावल लेना है और उसके ऊपर मिट्टी का दीपक लगाना है। कब लगाना है? रात को, जैसे आपकी सूर्यास्त हो जाए रात को 8-9 बजे, तब आपके घर की साउथ दिशा में घर के दरवाजे के बाहर लगा सकते हो, या तो बालकनी के अंदर जहां पर साउथ दिशा है, दक्षिण दिशा के अंदर ज्योत रहनी चाहिए, अग्नि की जो ज्योत है बराबर। क्योंकि पहले क्या करेंगे, तो पहले नीचे का जो कटोरा है तांबे का कटोरा, वो चावल से छलो छल भर देंगे और उसके ऊपर एक मिट्टी का दीपक रखेंगे, उसके अंदर तेल भर के भी आप रख सकते हो, मैक्सिमम लंबे 1-2 घंटे चले उतना बराबर आप रखना। तो कि दीपदान, इसको बोलते हैं दीपदान। तो कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति लंबे समय से बहुत रिबा रहा है, बहुत दवाइयां खा रहा है, किसी के पल्स नहीं पकड़ में आ रहे, बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर के ऊपर डाल दिया है, उन सभी लोग या तो पूर्ण स्वस्थ हो जाए या तो उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और रोगों को भगाना है, खास करके सबसे बड़ा धन वो स्वास्थ्य है। जिसके पास तबीयत अच्छी नहीं है वो गरीब है, वो कभी धनवान नहीं बन सकता है। तो आपको अच्छा धनवान बनना है, अच्छा स्वास्थ्यवान बनना है, तो जितने ज्यादा फिट रहोगे उतने ज्यादा मेहनत कर पाओगे, अच्छा बिजनेस कर पाओगे। तो खास करके हम सभी को 100 साल जीना है, पूरा 100 साल, तो कभी भी अकाल मृत्यु न आए। कोई भी भक्तामर हिलर अकाल मृत्यु से काल नहीं हो, जल्दी जल्दी चला ना जाए, क्योंकि आपकी ऊर्जा से आपके परिवार को, अड़ोस को, पड़ोस को, आपके गांव को ऊर्जावान बनाना है। तो 13 तारीख की रात को करना है, उस दिन धनतेरस है, और 14 तारीख को भी रात को, दोनों दिन आपको ये प्रयोग करना है। पहले दिन का 1 किलो चावल आपको एक बैग में भर लेना है, दूसरे दिन वापस नए चावल और ये चावल फिर कोई भी जरूरियातमंद व्यक्ति को, चौकीदार है, गरीब व्यक्ति है, कोई भी जरूरियातमंद व्यक्ति को चावल दान दे देना है। ये आरोग्य प्राप्ति अनुष्ठान बीमारियों से मुक्ति प्राप्ति के लिए बहुत प्रभावक ये अनुष्ठान है। ये सारे अनुष्ठान आप सभी लोग करते रहेंगे। शुक्रवार को बराबर सुबह में 10 बजे अति भव्य ऐसा हमारा खास महालक्ष्मी पूजन है, चोपड़ा पूजन है, घंटाकर्ण महादेव का हवन है, और नए साल के दिन सभी भक्तामर मिल करके 1 लाख से भी ज्यादा लोग गौतम स्वामी जी भगवान का संस्मरण करेंगे, जाप करेंगे, वंदना करेंगे, और उसके बाद आने वाले समय में जो होने वाला है उनका पूरा प्रेजेंटेशन, नया साल भक्तामर के साथ उसकी भी पूरी जबरदस्त तैयारियां चालू हो चुकी है। कई सारे लोग भक्तामर लेवल हीलिंग नंबर 1 जो कोर्स है, वो भी जीतो के अंदर से भी विनंती आई है कि जीतो द्वारा जो भक्तामर हीलिंग लेवल 1 कोर्स फिर से स्टार्ट होगा। जो आज से कल से जुड़े हैं, उन लोगों ने पुराने कोर्सेज यदि नहीं सीखे हैं तो भी वो जल्दी से जल्दी सीख ले, और फेसबुक से भी जो भी लोग ये कोर्स कर रहे हैं
उन सभी लोगों को महालक्ष्मी माता का यंत्र आप एप्लीकेशन से कल से डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी लोगों के लिए यंत्र आ चुका है, आज रात को एप्लीकेशन में आ जाएगा। कल से सुबह से धीरे 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 जिनके पास महालक्ष्मी जी की प्रतिमा न हो, जिनके पास घंटाघर महावीर की प्रतिमा न हो, घंटाघर महावीर का खूब प्रभावशाली यंत्र है। तो जिनके मकान नहीं बिक रहे हैं, जिनके बहुत सारा कर्जा हो गया है, कोशिश करें कि उन सभी लोगों को इस यंत्र की दो दो पांच पांच प्रिंट लेकर के भी दिवाली में बांटे कि भाई ये तेरे घर बंद, काफी समय से घर बंद पड़ा है, कोई रूम में आपको डर लग रहा है, कोई जगह पे नकारात्मक एनर्जी, तो बहुत प्रभावशाली आचार्य भगवंत ने मुझे ये घंटाकर्ण महावीर देव का यंत्र भेजा है और वो सीधा मैं आप सभी लोगों को दे रहा हूं। तो मैक्सिमम 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 लोगों को आप ये यंत्र की प्रभावना जरूर करें। इसी के साथ आज आप सभी लोगों ने बहुत डिटेल के साथ में मकान के लिए, दुकान के लिए, ऑफिस के लिए, गाड़ी के लिए, बच्चों के करियर के लिए प्रॉपर विजुअलाइजेशन प्रॉपर लिखना है। कल मैं आपको 21 सवाल पूछूंगा, कल मैं आपको 21 सवाल बराबर नोट आप सबको लेकर के बैठना है और वो 21 सवाल का आप सभी लोगों को मुझे जवाब भी देना पड़ेगा, लिखना भी पड़ेगा कि हम कहाँ पर है। उसकी पूरी तैयारी के साथ में स्वयं की कीजिए समीक्षा। कल का जो हमारा कार्यक्रम है स्वयं की कीजिए, आज आप कहाँ पर हो, कल आप कहाँ पहुंचना चाहते हो और आपका अंतिम गोल क्या है। और पूजा जी ने आज के प्रवचन में बहुत जोरदार शानदार बात बता दी कि सकारात्मक सोच कैसे आप बना सकते हो, और उसकी छोटी सी मैं आपको झलक बता देता हूं कि कोई व्यक्ति आपको गले लगाता है, कोई व्यक्ति आपको गले लगाता है तो ये उसका सदव्यवहार है। ध्यान से सुनना सब लोग, कोई व्यक्ति आपको गले लगाता है तो उसका ये सदव्यवहार है, लेकिन उसी व्यक्ति आपको धक्का दे दे, गिरा दे, अपमानित कर दे, आपको तिरस्कृत कर दे, और तब भी आपके दिल में उनके लिए उतना ही प्रेम रहे, उसी का नाम सकारात्मक सोच है। समझ गए दो चीजें बराबर, और उसी को हमें जागृत करना है। और आदिनाथ दादा की कृपा से मुझे लगता है आप सभी के अंदर वो जागृत हो चुकी है। कल हम सभी लोग, मैं खुद, आप सब लोग 21 प्रश्न की गुजार उसमें से पार होंगे, और अवश्य मैं 2021 में मैं आप सभी लोगों की जो तिजोरी विजुअलाइज, मैं तो सबके लिए करता हूँ प्रेयर कि मेरे सारे भक्तामर हिलर अरबपति होने चाहिए, मेरे सारे भक्तामर हिलर, कोई भी गुरु महाराज के पास जाएगी तीर्थ बनाना है गुरुदेव पूरे तीर्थ का लाभ मुझे दे दो, गुरुदेव उद्धार कराना है सारा लाभ मुझे दे दो, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति के अंदर सामर्थ्य हो। जल्दी से जल्दी हम 2022 की तैयारियां कर रहे हैं, पालीताना के अंदर अति भव्य चातुर्मास हम सभी लोग करें। तो इसी श्रृंखला के अंदर जबरदस्त साधना आराधना और आप सभी का प्रेम, आप सभी का आशीर्वाद, आप सभी का सतत 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 मार्गदर्शन के साथ में हम सभी की निर्मलता पवित्रता और बढ़े, इसी भावना के साथ में भगवान को नमन करते हुए अरिहंत सहारा मेरा है, अरिहंत सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, से दसहारा मेरा है, श्री से दसहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, आचार्य सहारा मेरा है, आचार्य सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, और सहारा कोई नहीं, उपाध्याय सहारा मेरा है, उपाध्याय सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई,
सर्व साधु सहारा मेरा है, सर्व साधु सहारा मेरा है, अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, जैन धर्म सहारा मेरा है, जैन धर्म सहारा अब और सहारा कोई नहीं, अब और सहारा कोई नहीं, अरिहंत सहारा मेरा है। सर्वे ने कोटि कोटि प्रणाम। कल कार्यक्रम के बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन करके बोला, बहुत सारे लोगों को नवरात्रि की दिव्य अनुभूति हुई है। आप हमें बताए नहीं बताए, लेकिन हम आपके चेहरे को पढ़ सकते हैं, आपकी भावनाओं को महसूस कर सकते हैं, और इसी के साथ वापस इस बार दिवाली का जो पर्व है हमारे भीतर के अंदर, भगवान 24 तीर्थंकरों में भी सबसे ज्यादा जिनका हमारे पर उपकार है, भगवान महावीर स्वामी जी परमात्मा का निर्वाण कल्याण, भगवान की अंतिम सोल प्रहर की जो देशना है, जिनके अंदर भगवान ने अति भव्य ऐसे अनेक चीजें बताई, गौतम स्वामी जी भगवान का जो केवल ज्ञान कल्याण है, गौतम स्वामी जी भगवान का जो रास है, गौतम स्वामी जी भगवान की जो अनंत लब्धियां है, वो कहीं ना कहीं हमें स्पर्श करे, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर विनय का भाव जो है, नम्रता का भाव है, और बढ़ाए। इसीलिए जितने भी लोग अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद के आसपास में रहते हैं, उन सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। ये तीनों अनुष्ठान के अंदर आप आइए, बैठिए, अनुभव कीजिए, साधना कीजिए। इसी के साथ आज का यहाँ पर कार्यक्रम समापन करते हैं। कुछ एक दो भाइयों को बहनों को बोलना है तो उनका लेकर के आज का सेशन समाप्त करें। हैंड रेज करिए अगर किसी को बोलना है कुछ तो। एक हृदय शेठ को मैंने अनम्यूट किया, बट वो उनका वीडियो भी नहीं है। और हाँ, प्रणाम पूजा भाई, प्रणाम गुरु जी। हाँ, मारे पूछू तो आज 14 तारीखे हवन थवानु छे, ए हमना नवरात्रि मा थयु ए रीते के आपणे पहला पूजन करेला बधा ए रीते थवानु छे? એટલે હમણાં 14 તારીખે ઘંટાઘરના મહાવીર સ્વામી ભગવાનનું જે હવન થવાનું છે ને, એ હમણાં નવરાત્રીમાં જેમ ગુરુજી દેરાસરમાં બેસીને કરેલું એ રીતે થવાનું છે કે આપણે પહેલા જેમ બધા પૂજનો કર્યા એ રીતે થવાનું મંદિરમાં થવાનું છે? અને અહીંયા એક વસ્તુ તમારે એકતાબેન ખાલી સુધારો કરવાનો છે કે ઘંટાકર્ણ મહાવીર ભગવાન નો કહેવાય, એ દેવ છે, ઓકે? હા, એક સુધારો કરી દેજો. હા, ચલો નેક્સ્ટ કોણ છે? હેલો, હા બોલો, કેમ છો? મજામાં. જયજી ને પ્રણામ કરું બેન. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ. કાલ નું મારે વિડીયો જોવાનું નથી, તો એનું મને લિંક મોકલી આપો તો સારું રહેશે. પ્રણામ ગુરુજી. પ્રણામ પૂજાભાઈ. ગુરુજી, મેં પૂછ રહી થી, આપને જો બતાયા થા ના કે ચાવલ ડાલ કે જિસમે અપના તામે કા, અગર ઉસકી જગહ કુછ ઓર હોય તો, મતલબ ચાવલ ડાલને કે લીએ જો બતાયા હે ના આપને, યે સબ જો યે સબ પ્રયોગ હે ના, વો પ્રાચીન હસ્તલિખિત ગ્રંથો મે લિખે હુએ હે, ઓર ચાવલ ડાલ કે કરને સે સેંકડો લોગો કો બેનિફિટ હુઆ હે. યદિ આપ ચાહતે હો કે મે કુછ અલગ કરકે ટ્રાય કરું તો કર સકતે હો. વૈસે નહીં, આપને જો કટોરા બોલા તા, એક વો તાંબે વાલા, જો તાંબે વાલા કટોરા મે ચાવલ કે સાથ મે હી અપને વો કરના હે. तांबे में ही करना है, मतलब वो पूछनी जी, तांबे का कटोरा रखना है, उसके अंदर आधा पीनो पौना किलो एक किलो चावल आ जाए,
और उस चावल के बराबर बीच में मिट्टी का तो तेल बाती और उसको जलाना है। और ऐसा सैकड़ों लोगों ने किया है और सैकड़ों लोगों को बेनिफिट हुआ है। नहीं, वो कंफर्म कर रही हूँ कि तांबे का ही लेना ना कोई। प्रणाम, जय जिनेंद्र। चलो नेक्स्ट, गैलेक्सी M21। नाम ना थी आवड़ तो आंटी नो गैलेक्सी वाला आंटी। हाँ, तमे बोलो। हाँ, हाथ ऊपर कह रहे हो। गैलेक्सी 21 अपनी छे। हाँ, तमारू छे। हाँ सर, तमे डीओ करवानु कीधु पण जो गैलरी में बाहर रहे तो पछी आखी रात रहेशे। प्रणाम गुरुजी, जय जिनेंद्र। રાખી દેવાનું, તમે તમારું કાર્ય પૂરું કરી દીધું છે। છે કોઈ? મમતા બેન, જય જિનેન્દ્ર પૂજા બેન, જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી, જય જિનેન્દ્ર ગુરુજી, જય જિનેન્દ્ર गुरुजी। मैं ये पूछ रही थी, हालांकि ये इससे रिलेटेड तो नहीं है, जैसे मैं ये बक्तामर करती हूँ और मेरे उसको बहुत फर्क भी आया है, लेकिन जैसे मैं शेयर मार्केट का काम करती हूँ, जैसे मैंने कुछ लिया है तो मतलब मेरे बेचते ही वो इतना हाई पे जाता है, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, तो ऐसा क्यों होता है? पूजा बहन को फोन करना है, कार्यक्रम खत्म हो जाए उसके बाद। ठीक है गुरु जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। जय जिनेन्द्र, वापस अपन कल बात करते हैं, ठीक है? साता में रहना। प्रणाम, जय जिनेन्द्र। कल सेम टाइम पे मिलते हैं। गुड नाइट।